वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जिन भाइयों ने हमें ऑर्डर दे रखा है, चाहे वो गन का हो या स्कोप का हो या पैलेट का हो, और दीपावली की वजह से कुछ दिन लेट हो गया है, तो उसमें दोस्तों हमारी गलती नहीं है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट हर कोई बिजी चल रहा था। और ये मन में ये वाला डाउट मत रखना कि भाई सामान कब पहुँचेगा कब नहीं, शायद पैसा डूब गया, ऐसा कोई मन का डाउट दूर करो, ऐसी चीज़ से बचो। आपका कोई ये काम नहीं है, वो काम हमारा है, हमने डिस्पैच कर दिया माल, एक दो दिन में आपको जो पोर्टल पूरा गया हुआ है वो सब टाइम से डिलीवर हो जाएगा। बस देखो नाराज मत होना। और कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि अजय सर आप तो कॉल नहीं उठाते। यार एक बात बताओ, मेरे पास दो फोन है, दो नंबर है, दोनों में व्हाट्सएप है और ठीक ठाक कॉल आती है, और मुझसे बात करने से पहले हमारी आपकी बात हमारे स्टाफ से होती है। अगर आपको ज़्यादा ही जरूरी लगे कि अजय सर से बात करा, तो हमारे स्टाफ को एक बार बोल दो कि सर से बात करनी है, वो हम आपकी बात फिर मुझसे होगी। मतलब एक भाई ने मुझे रात को किया, करीबन 12-1-2 बजे मैसेज किया, उसने कहा कि भाई एयरगन की रिक्वायरमेंट थी 12-1-2 बजे। यार मैं देखो, मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है, पूरे दिन में जब वर्क करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को रिलैक्स भी फील करना चाहिए। तो उसके रिकॉर्डिंग में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं रात को 1-2 बजे टोटल बैठा हुआ आपके व्हाट्सएप की रिप्लाई तो करूँगा नहीं, हमारी टीम करती है अगले दिन सुबह 10 बजे से लेकर अपडेट रहते हैं शाम को 5:30-6 तक, पूरे दिन कंप्यूटर वर्क करते रहते हैं, व्हाट्सएप की रिप्लाई करते हैं, कॉलिंग की रिप्लाई करते हैं। पर देखो दोस्तों, आपसे गुजारिश है यार, मुझसे नाराज मत रहा करो। मतलब अगर आपने हेलो टाइप कर दिया ना, आप ये सोचते होंगे कि उसका रिप्लाई मैं करूँगा, हमारी टीम करती है यार, हमारी टीम और सब हम सब एक होते हैं। और कोई मन में डाउट मत रखना, अगर किसी ने कोई मैसेज भी कर दिया कि अजय सर मुझे पैलेट चाहिए 177 के लिए, भर के मैं पूछूंगा कौन से चाहिए, हम आपको कैटलॉग भेजते हैं। और कभी कभी अगर आपने जो मैसेज किया उसका रिप्लाई हम कभी कभी लेट करते हैं, देखो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, जैसे आप भाई कर रहे हैं तो और भी करते हैं, अपने दोस्त मित्र होते हैं तो मैं भी करते हैं। पर यार देखो, मन में डाउट मत रखा करो किसी भी चीज़ का। और छोटी मोटी गलती है तो यार होती रहती है, कोई पार्सल 1-2 दिन लेट हो गया, इसमें हमारे हाथ में नहीं होता, अगर हमने कोई सामान डिस्पैच कर दिया वो कोरियर वालों के हाथ में होता है। मैं तो चाहूँगा आज सामान निकालूँ अगले दिन मिल जाए यार तुम्हें, इससे तगड़ी खुशी क्या बात होगी। पर मैं ये चाहूँगा देखो नाराज मत हुआ करो, एक दो दिन लेट हो जाता है, वो डिलीवरी पोर्टल का जो होता है, जो कोरियर हम भेजते हैं किसी भी चीज़ से, वो उनकी थोड़ी सी वजह से 1-2 दिन लेट हो सकता है। बस ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, थोड़ा सा मुझे ब्लॉग बनाना। अब वीडियो की शुरुआत होती है, अब HDB नाइट्रो और NH200 एथेना पावर टेस्टिंग पे आगे वीडियो रिलीज रहने वाला है। ओके, तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी भाई अच्छे हों। स्वागत है आपके दोस्त के चैनल में अजय शूटर के, और एक ब्लॉग बना रहे हैं स्पेशल टॉयज एयरगन के ऊपर, जो वीडियो रहने वाला है नो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कोई भी बाइक खरीद सकता है, तुम्हारे दोस्त के हाथ में है, धूम मचा देने वाली कुछ है ये राइफले, ये दोनों ही नाइट्रो पिस्टन में है। आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी है, NX200 अथीना वुडन RF नाइट्रो पिस्टन पर रिलीज है, और ये HDB नाइट्रो की बात कर रहे हैं, HDB नाइट्रो, दोनों ही नाइट्रो पिस्टन में। कुछ दोस्तों के मन में डाउट थे कि अजय सर अगर दोनों की टक्कर नाइट्रो से नाइट्रो लगा दे तो जीतेगा कौन। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उन भाइयों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा है, दोनों किसी से कम नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं है ना ये है, पर दोनों ही नाइट्रो है, पर पता नहीं जीतेगा कौन, कोई आइडिया नहीं है। YouTube पे उठा के देख लो, वीडियो नहीं मिलेगा नाइट्रो से नाइट्रो की टक्कर आज पहली बार लगने जा रही है, स्पेशल पावर टेस्टिंग पे वीडियो रिलीज होगा, और सबसे सुपरमैन हॉर्नेट से टक्कर लगाएंगे, सुपर कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो रहने वाला है, उम्मीद करता हूं सभी भाई इस वीडियो को देखें और अपने जो मन के डाउट है वो दूर करें। सबसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके प्राइज लिस्ट के बारे में बात बताऊंगा कि इसकी प्राइज लिस्ट की क्या वैल्यू होती है। देखो हर कोई कहता है कि अजय सर आप जब वीडियो रिलीज करते हैं तो उसके प्राइस नहीं बताते, इनमें दो प्राइस का कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर दुकान से हमारी आके परचेज करोगे तो उसका प्राइस आपको अलग लगेगा, अगर कैश ऑन डिलीवरी लोगे तो उसका प्राइस लगेगा अलग। इसकी प्राइस की बात करते हैं, 14,000 से लेके आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है 16,500 तक मिलता है, ब्लैक नहीं मतलब वो वुडन RF, दोनों की प्राइसिंग लिस्ट में इतना ही है, और ये भी 14,000 से लेके कहीं कहीं 15,500 तक
आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 14,000 से लेके 15,500-16,000 तक आपको प्रोवाइड ये हो जाते हैं कहीं कहीं, जो उसमें अलग है, जो पैटर्न आप इसमें अपडेट कराओगे, जो उसके एसेसरीज लोगे, स्कोप और पैलेट कुछ भी आ, तो उसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। मतलब आप गाड़ी ले रहे हो, उसे जब मॉडिफाई कराओगे तो उसका पेमेंट तो भाई अलग ही जाएगा। ये मेरा रिक्वायरमेंट था। और हमारे पास है कुछ ऑयल के कैन रखे हैं, जो ये धातु की तुम्हें तो पता है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन वीडियो में इन पे ही रिलीज़ करता हूँ। हमारे कुछ टारगेट है दोस्तों, आपको पास से दिखाऊंगा। ऑयल के कैन मैंने कुछ इस पैटर्न के तरीके से रखे हुए हैं, आपको सब क्लियर दिखाऊंगा नज़ारा। ये इसका एंट्री रहने वाला है और इसका यहाँ से वो रहेगा जो भी मामला बनेगा। बिल्कुल साफ शब्दों में ये पैटर्न आपको दिखाएंगे जरूर हम। ये देखो बिल्कुल क्लियर है प्रथ, और पीछे वाली देखो ये वाली क्लियर है, तो इसी पैटर्न पे मैं रखता हूँ। ये वाला बिल्कुल, ये तो क्लियर ही है पूरा पोर्शन ना। देखते हैं ये डेंट करेगा नहीं करेगा, कितने को पेनेट करेगा। आज पहली बार ये आपको सामने पूरी यूट्यूब पे धूम मचा रहा है। एनएक्स मतलब नाइट्रो से नाइट्रो की टक्कर लगा रहे हैं हम, और अपने को कोई आइडिया नहीं है भाई जीतने वाला कौन है। तो जो भी जीतेगा रिजल्ट सामने रहेगा, पर आज सभी भाई के मन के डाउट दूर हो जाएंगे। दोनों ही नाइट्रो हैं तो फिर दोनों पावरफुल कौन रहेगा। दोस्तों आपकी आपके लिए पेस है स्पेशल हॉर्नेट। सबसे ज्यादा मैं हॉर्नेट का यूज करता हूँ जब पावर टेस्टिंग पे कोई भी वीडियो रिलीज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी धातु से, ब्रास की धातु से आगे से बना रहता है, ये कभी मुड़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं शुरुआत किस चीज़ से करें दोस्तों, आपकी फरमाइश में है शुरू में NX200 रखी ना, क्योंकि ये तो HDB नाइट्रो अभी भी आया है, तो इसकी तो बाद की बात है। शुरुआत जब इससे करते हैं, वुडन कलर RF के नाम से NX200 वुडन RF सेफ्टी लोग, इसमें पूरा तगड़ा फीचर दिया है। इसमें हम पैलेट को कर देते हैं लोडेड, हॉर्नेट है भाई पूरा, यहाँ से लोड कर देते हैं। आओ लगाएंगे एक एक शॉट लगाएंगे, टोटल हम पूरे कंटिन्यू 2 शॉट चलाएंगे, उसके बाद हम ये रिजल्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और मन में क्या है, कितने को चीरेगा, इतना डिस्टेंस रखेंगे ओनली करीबन 6-7 मीटर की समथिंग, और करते हैं फायर। दोस्तों फायर के लिए रेडी हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान, और लगाएगा आपका दोस्त टारगेट को, और करते हैं इसमें ऊपर की ओर। भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि जैसे सबकी बैंड बजा दी हो, बाकी तो पता नहीं। क्या तो दूसरा एक और लगाएंगे, आगे। तो भाई पहला फायर कर दिया है हमने, अब दूसरा हम एक और देखेंगे क्या रिजल्ट बनाएगा। तो दूसरा भी इसी के सेंटर के आसपास करते हैं, फायर के लिए रेडी है दोस्तों, और बनाएंगे सेफ्टी कॉन लॉक किया, फायर के लिए रेडी। दूसरा भी इसी में डेंट कर दिया भाई मतलब इतना सटीक निशाना मारा, देखो काफी डेंजर इसमें होल हो चुका है। आपको ये ना कह दे यार तुमने ऐसा कुछ किया, फिर भी मैं आपको इसका एक फायर अलग दिखाऊंगा। पर फिर भी इसका एंट्री हो गया, और ये इसका एग्जिट देखो, उसका दूसरा दिख रहा है बिल्कुल उसी में डेंट हुआ है। ये एंट्री, ये पार नहीं हुआ भाई, ये रुक गया किसी कारण। अब एक ही टेस्ट, पहले एक और ही मारूंगा मैं इससे, जरूर दिखाऊंगा भाई। कोई ये ना बोल दे कि आपने वो एक ही पैलेट चलाया था, मैं पहले टेक होल्ड लाके दिखाता हूं, और थोड़ा सा उसका हॉर्नेट के साथ थोड़ा सा उसके हल्का सा ना, मैं उसको राइट को लूंगा हल्का सा उसी डिस्टेंस के समथिंग। ये देखो डिस्टेंस कोई बढ़ा नहीं है, अब करते हैं थोड़ा सा राइट में लूंगा अबकी बार ना, ये दिखाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर करके। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि वो कोई भी भाई अपना मन में डाउट रखे। शुरू के 2 शॉट ये थे, और लास्ट का तीसरा ये रहा एंट्री एग्जिट, ये रहा एग्जिट हो गया एंट्री, रुक चुका है देखो भाई। अब है बारी HDB नाइट्रो को, यहां पे नहीं, यहां पे उड़ाऊंगा उसको, इस वाले पोर्शन पे HDB नाइट्रो। NX तो बाकी मैंने वहीं पे रखा है, HDB नाइट्रो अभी जो लेटेस्ट में आया, इसकी बैरल को करते हैं ब्रेक। जब सच में भाई से ब्रेक बैरल करते हैं नीचे बैठी का, ये बैरल को ब्रेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक अलग ही कॉम्बिनेशन मिलता है, और उसके पैलेट को यहाँ पे करते हैं लोडेड, फायर के लिए रेडी है दोस्तों। इसका सेफ्टी जो लोग है
ये वाला वही डिस्टेंस सेम वही और सेफ्टी लॉक को करते हैं, अनलॉक फायर के लिए रेडी है। क्या लगता है दोस्तों जीत किसकी होने वाली है? जहां तक मेरा मानना है कुछ शब्दों में आपको पता लग गया होगा कि कौन जीतेगा, पर फिर भी वीडियो से पूरा देखो और मजे लो। दो फायर करूंगा तभी इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। करते हैं थोड़ा नीचे लगाएंगे, फायर के लिए रेडी फास्ट। कुछ आइडिया नहीं, एक और लगाएंगे। वीडियो में मजा आ रहा है दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाओ जो आपके लोकप्रिय दोस्त हैं, जो ज्यादा करीब जो वेपन सीरीज से प्यार करते हैं उनको दिखाओ कि पावर टेस्टिंग पे वीडियो रिलीज हो रहा है। अगर आप नहीं खरीद सकते तो अपने जो भाई खरीद सकते हैं उनको ऐसी वीडियो देखनी चाहिए कि क्या होने वाला है और कौन सी आपको टॉयज एयरगन खरीदना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस नहीं लगते। तो सेकंड फायर करते हैं उसकी जस्ट आसपास में और ये फाइनली अब अपने को रिजल्ट मिल सकता है। और ये फाइनली आज ये टोटल सब दिखा देगा आपको, शुरू का पैटर्न दिखाऊंगा। NX 200 पे मैंने जो तीन फायर किए थे, दो तो एक बार हो गए थे और एक यहाँ पे हुआ था। इसको आपको देखा, एक को डेंट कर गया था, दूसरे में एंट्री कर गया था पर पार नहीं हुआ दूसरे वाले में। आप भी देखते हैं HDB नाइट्रो की बात कर रहा हूँ, एंट्री की बात कर रहा हूँ। ये एंट्री हो गया, इसको मैं इधर अपोजिट करता हूँ, ये एग्जिट हो चुका है। पहला डाउट क्लियर, उसी पैटर्न पे रखते हैं आपका। ये एंट्री होल है, HDB नाइट्रो की बात कर रहा हूँ। और इसने तो भाई अभी तक ये भी इतना कोई डेंट नहीं कर पाया, पर इसके अभी NX के साथ इसकी टक्कर लग रही है, नाइट्रो से नाइट्रो टक्कर दे रहे हैं। अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे ये डाउट दूर करने के लिए, तब करते हैं डाउट दूर करने के लिए थोड़ा कम करते हैं। अब की बार मैं यहाँ पे NX को टक्कर दूंगा, ओनली NX, और फिर आपकी नाइट्रो को टक्कर दूंगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो थोड़े से डाउट दूर करेंगे क्योंकि अभी नाइट्रो नाइट्रो किसी को टक्कर नहीं दे पाया, अभी मुझे दोनों की पावर एक जैसी लग रही है। अब इतने ही डिस्टेंस से मैं फायर करूंगा, थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिजल्ट अपने भाइयों को फाइनल दिखे। NX 200 अथीना जो कि नाइट्रो में है और इसकी सेफ्टी लॉक को अनलॉक किया और फायर के लिए रेडी है। अब करते हैं फायर राइट को सबसे ऊपर, NX 200 अथीना की बात कर रहे हैं, पास से देखेंगे। ये मैंने भी जो एंट्री एग्जिट फर्स्ट को पेनेट किया, एंट्री रुक चुका है, कोई पार नहीं हुआ, मतलब वही अवस्था चली हुई है। अब है HDB नाइट्रो, पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा कि शायद दोनों में पावर एक जैसी फील हो रहा है, पर अभी कोई आइडिया नहीं। अब नाइट्रो का लगाएंगे सिर्फ यहाँ पे, मैं पहले उठा के लेकर आता हूँ। और ये क्योंकि देखो भाई दोनों ही नाइट्रो है, कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन तो नहीं है, पर कितना ऊपर बना है कितना नहीं ये पता नहीं। बैरल को ब्रेक किया, पैलेट को लोडेड, फायर के लिए रेडी है दोस्तों। करते हैं फायर, सेफ्टी को अनलॉक। अब ये फाइनली रिजल्ट है भाई ये, अब मैं कोई फायर नहीं करूंगा, जो जिसमें जो पावर है चाहे बराबर जीते मैं वो ही बताऊंगा। एंट्री एग्जिट HDB नाइट्रो की बात हो रही है, एंट्री अब पता नहीं क्या रहा होगा, पर देखा जाए थोड़ा सा क्रम में नाइट्रो ने इतना इसे ऊपर भूरा अभरा हुआ दिखा रहा है और ये NX 200 का था ये थोड़ा कम है, NX 200 के ये थे थोड़े कम है, नाइट्रो का कुछ ज़्यादा फील हो रहा है। थोड़ा सा पास से देखो इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा जो दोनों राइफलों में जो बात है NX 200 HDB नाइट्रो, आज मैं किसी को ऊपर नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ दोनों को ऊपर करूंगा, दोनों सुपर इज बेस्ट नाइट्रो एंड पिस्टन, क्योंकि जो यो कर सकता है वो यू भी कर देगा, इतना है। कुछ पॉइंटों में मुझे ऐसा लगा इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है और इसकी जो फिनिशिंग जो लुक की बात करें सेम वो है। अगर लुक पे जाओगे थोड़ा सा इसका मुझे वेट ऊपर है हल्का सा और इसका थोड़ा सा लाइट है, हल्का सा थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं, पर दोनों किसी से कम नहीं। आज की छोटी सी वीडियो में यही बताना था मुझे, दोनों नाइट्रो में थी, दोनों ने किसी की बेइज्जती नहीं किया और दोनों ही बढ़िया हैं। कुछ पॉइंटों में आपने जो कमी फील की होगी हल्की सी छोटी मोटी, तो आप हल्का फूल का आपको ऐसा लग रहा होगा कि नाइट्रो ऊपर है, मेरे हिसाब से दोनों ऊपर, दोनों के प्राइस सेम है, कोई डाउट की बात नहीं।
दोनों ही नाइट्रो पिस्टन में था। सिर्फ मन के डाउट थे कि क्या किसको टक्कर देगा ये पता नहीं, पर कुछ भी है आपका दोस्त अजय सूटर हर चीज से टक्कर लगा देता, चाहे आप कॉम्प्रोमाइज क्यों ना हो। आज पहला वीडियो ऐसा रहा पूरे यूट्यूब पे जो हर गन से मैं कॉम्प्रोमाइज करता था और कोई ना कोई जीतता था, एक की हार होती थी। आज ऐसा लगा आज किसी की हार नहीं हुई, दोनों सुपर रही और दोनों बेस्ट है, कोई सी ले लो सब बेस्ट है। तो आज के इस ब्लॉक में इतना ही दोस्तों, तो लेते हैं अलविदा, अगली वीडियो फिर से पेश होंगे एक नए गन्स के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई पावर टेस्टिंग के साथ या कोई भी रिलेटेड जो आपको हमें लगता है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, उस गन के साथ पेश होंगे। तो आज के इस ब्लॉक में इतना ही, आज संडे है और आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो रिलीज किया और ये इवनिंग टाइम तक अपडेट हो जाएगा, करीबन 4 से 5 बजे के समथिंग अपडेट होगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार और जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को। ओके मेरे